बीजेपी नेताओं की बदजुबानी पर आखिर कब लगेगी रोक? आखिर राहुल गांधी को किसने कहा जर्सी बछड़ा? बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके नेताओं की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है। विवादित बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त में पार्टी के एक और नेता का नाम जुड़ गया है। यूपी के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने न सिर्फ एक खास समुदाय के लिए आपत्तिजनक बयान दिया बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया है कि भादर साल 2024 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बकौल सुरेंद्र सिंह, हिंदुस्तानी संस्कृति अपनाने वाले मुसलमान ही इस मुल्क में रह पाएंगे। मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत कम मुसलमान ही राष्ट्रभक्त हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस का त्याग बेकार नहीं जाएगा और 2024 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बीजेपी विधायक की बदसुबानी यही नहीं रुकी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी में भारत और इटली वाले दो तरह के संस्कार हैं। राहुल गांधी को जर्सी बछड़ा करार देते हुए कि राजनीति का जर्सी बछड़ा है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत के दर्द को कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उनमें भारत से ज्यादा इटली के संस्कार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम बनने के लिए कोई भी नारा दे सकते हैं लेकिन उनमें नेतृत्व और मूल्यों की कमी है। जाहिर है बीजेपी के इस विधायक के बयान पर बवाल मचना था और मचा भी खूब, जिसके बाद पार्टी को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। पार्टी ने इसे सुरेंद्र सिंह का निजी बयान बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया। पार्टी का कहना है कि वो सबका साथ सबका विकास वाले सिद्धांत पर काम कर रही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई नेता अपने बिगड़े बोल से पार्टी की किरकिरी करा चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे नेताओं की बदजुबानी पर कब रोक लगेगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।